गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर स्कूल संत फतेह सिंह कॉन्वेंट स्कूल। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स चैप्टर 14 मनी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मनी। स्टार्ट मनी, वो यूज ऑफ मनी टू बाय थिंग्स वी नीड। हम मनी का यूज किस लिए करते हैं? जो थिंग्स हमने बाय करनी होती है, जिसकी हमें नीड होती है, जो थिंग्स की हमें नीड होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, मनी का यूज करते हैं, उसको बाय करने के लिए, मींस उसको खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। ओके, नाउ सी एग्जांपल। व्हेन यू गो टू अ शॉप टू बाय समथिंग यू गिव मनी टू द शॉपकीपर। जब आप शॉप पर जाते हो कुछ खरीदने के लिए तो आप क्या करते हो, आप उसको मनी देते हो और शॉपकीपर को आप मनी देते हो और उससे आप चीज परचेज करते हो। जैसे स्टूडेंट आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जी लेडी क्या कर रही है, क्लोथ्स की शॉप पर गई है और वहां पर क्या कर रही है, क्लोथ्स परचेज कर रही है। तो उसने वो देखो शॉपकीपर उसको क्लोथ्स दिखा रहा है, उसने क्लोथ्स सेलेक्ट कर लिया और अब वो क्या कर रही है, शॉपकीपर को मनी दे रही है। ओके, सो आपको अंडरस्टैंड मनी का यूज हम कैसे करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो ये गिफ्ट परचेज कर रहे हैं और वो शॉपकीपर को मनी दे रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, मनी कम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉइंस एंड नोट्स। बेटा मनी कॉइंस की फॉर्म में भी होता है, नोट्स की फॉर्म में भी होता है। लाइक कॉइंस करंटली यूज इन इंडिया, जो कॉइन हमारे करंटली यूज हो रहे हैं इंडिया में वो कौन से हैं? सी 10 रुपीज, 10 रुपीज का कॉइन है ये। नेक्स्ट देखो 5 रुपीज कॉइन, क्या है ये 5 रुपीज का कॉइन है। ये देखो सभी कॉइन का नंबर दिए गए हैं ना, आपको आइडेंटिफाई करना आता है कॉइन, ये क्या है 1 रुपीज का कॉइन। एंड नेक्स्ट देखो 2 रुपीज कॉइन, एंड नेक्स्ट 50 पैसे। नाउ नेक्स्ट, नोट्स करंटली यूज इन इंडिया। नोट्स देखो जो हमारे करंटली यूज होते हैं, देखो 2000, नेक्स्ट है 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 20, ये क्या है, ये सभी नोट्स जो करंटली यूज होते हैं इंडिया में वो है करंसी। करंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? दी नोट्स एंड पॉइंट्स यूज आजकल करंसी, जो नोट एंड पॉइंट्स हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, करंसी। ये हमारी इंडिया की करंसी है जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई है। वी राइट रुपीस फॉर रुपीस एंड पी फॉर पैसे। देखो हमने रुपीस को कैसे लिखना होता है, ये दिस इज अ साइन ऑफ रुपीस आर, एंड पैसे का साइन क्या है बेटा, पी। ओके, आपको जब भी आपको शो करना है पहले आपने ये साइन देना है, अगर रुपीस है तो आपने ये वाला साइन आर का साइन देना है, अगर पैसे है तो आपने पी का साइन देना है। ओके, 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100। देखो ये आपका साइन शो हो रहा है ना, इस साइन से क्या पता चलता है, ये 1 क्या है रुपीस है एंड पी क्या है पैसे। आपने ध्यान रखना है जो रुपीस का साइन है वो आगे आता है एंड पी का पैसे का साइन है वो हम पीछे लिखते हैं। ओके, सो देखो 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसे। सो बेटा 50 पैसे प्लस 50 पैसे कितना हुआ, 1 रुपीस। 50 पैसे प्लस 50 पैसे कितना होता है, 1 रुपीस। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 1, मैच द फॉलोइंग। हमने मैच फॉलोइंग इसको मैच करना है। देखो ये क्या है, 20 क्या लिखा हुआ है, 20 रुपीज लिखा हुआ है ना, इधर की साइड क्या है बेटा, इनकी पिक्चर बनाई गई है तो हमें इनको मैच करना है। 20 रुपीज ये नीचे है ना, 1 रुपीज कहां पर है, दिस एंड 5 रुपीज, 5 पैसे सॉरी, 5 पैसे कहां पर है, 50 पैसे सॉरी, 50 पैसे ऊपर है, एंड 100 रुपीज। ओके, होप आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। नेक्स्ट कंप्लीट द टेबल। देखो यहां पर हमें लिखा गया है 70 रुपीज, इधर हमने उसको लिखना है। देखो कैसे,
यस, आपने पहले रुपी का साइन लगाना है, फिर आपने 70 लिखना है। वैसे जैसे यहाँ पर क्या है 80 रुपी, तो आपने पहले 80 का रुपी का साइन लगाना है, उसके बाद 80 लिखना है। 30 के लिए 30, आपने हमेशा साइन लगाना है। ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है कि अगर आप साइन नहीं लगाओगे तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 25 रुपीज के लिए हम पहले रुपी का साइन लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 25। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ एक्टिविटी 2, काउंट द मनी। अब हम क्या करेंगे, मनी को काउंट करेंगे। देखो कितना है, कितने का कॉइन है, 5 रुपीज का। नेक्स्ट 2 रुपीज का कॉइन है। नेक्स्ट क्या है, 1 रुपीज का कॉइन है। बेटा ये कितने हुए, काउंट करो। 5 में डिवाइड किया 5, 6, 7, 7 में 1 ऐड किया 8, टोटल कितने कॉइन है ये 8। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रूपी का साइन लगाकर वहां पर 8 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो 10 का नोट है, 5 रुपीज का नोट है। नेक्स्ट क्या है, 1 कॉइन है। इनका टोटल करो कितने रुपीज है हमारे पास, 10 प्लस 5 कितना होता है 15, 15 में 1 रुपी ऐड किया कितना हुआ 16 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट 50 रुपीज है, ये कितना है 2020 लिखा हुआ है ना, तो बेटा ये 20 रुपीज का नोट है। नेक्स्ट 5 का कॉइन है, इन सभी को ऐड करो, 50 में आप पहले 20 ऐड करो कितना होता है 50, फिर 10 ऐड किया 70 होगा, 70 में 5 ऐड किया बेटा 75, सो टोटल यहाँ पर कितने रुपीज है 75, हमने साइन लगाना है उसके बाद 75 लिखना है। ध्यान में रखना, आप जब भी करोगे साइन भूलना नहीं है। ओके, साइन आपने पहले लगाना है। नाउ बेटा आप सभी को अभी आइडेंटिफाई करना आ गया ना, कैसे रुपीज को आइडेंटिफाई करना है। अब हमने काउंट करना भी सीखा रुपीज को। तो बेटा क्या है, ये आपको गर्ल दिखाई दे रही है, क्या है इसका नेम, क्या है, रिया, शी इज रिया। इसकी ये हमसे हेल्प मांग रही है, तो हमने बेटा इसकी हेल्प करनी है। देखो ये हमसे क्या कह रही है, आई गो टू द मार्केट टू बाय समथिंग, हेल्प मी गिव द करेक्ट नोट्स एंड पॉइंट्स टू द शॉपकीपर। क्या इसकी हमने हेल्प करनी है, किसमें, करेक्ट नोट्स एंड पॉइंट्स शॉपकीपर को देने के लिए, कि कुछ वाई करेगी। देखो क्या वाई करती है रिया, काइट। रिया ने क्या वाई करना है, काइट। काइट की रुपीज कितने हैं 12, कितनी प्राइस है काइट की 12। सो इस रिया के पास इतने रुपीज है, इसमें से वो क्या, कौन से रुपीज सिलेक्ट करो, कौन से रुपीज को देगी। देखो 1 to 12 means 10 plus 2, 12 होता है ना, so बेटा पहले क्या करेगी, वो 10 रुपीज का नोट देगी, एंड देन अब इसके बाद 2 रुपीज, 10 प्लस 2 कितना होता है 12। ओके, आपको समझ आ गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आप सभी को मनी समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।